हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखते हैं ये होती क्या है। देखिए, ये जो लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम है वो कुछ हद तक सिमिलर है रोले थ्योरम के। ओके, तो आप पहले रोले थ्योरम के बारे में भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि let f of x be a function defined on closed interval ab, यानी कि जो अपना function given होगा वो एक closed interval यानी कि संवृत अंतराल के अंदर defined होना चाहिए। और उसकी कुछ conditions इस type से हैं, दो conditions हैं। पहली condition है कि it is continuous on closed interval ab, यानी कि ये संतत होना चाहिए किसमें, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, संवृत अंतराल के अंदर। और दूसरी ये कि ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, यानी अवकलनीय होना चाहिए, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। ओके, विवृत अंतराल के अंदर। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल पर आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। और इसके अलावा देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C, which is belongs to open interval AB, यानी कि एक real number C हमेशा belong करना चाहिए, कौन से interval में, open interval AB के अंदर, जो कि इस condition से आता है, f dash C, f of B, minus f of A, upon में, B minus A, okay, तो ये थी statement, किसकी, mean value theorem की। अब इसके कुछ examples देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है मीन वैल्यू थ्योरम का। f of x is equals to x minus 3, x minus 6, x minus 9 on the interval 3 to 5. ओके, इस इंटरवल में अपन को ये मीन वैल्यू थ्योरम देखनी है या नहीं। तो देखिए, जो f of x है अपना, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगा x इस तरीके से x square minus 6x minus 3x plus 18 and again x minus 9 से multiply इसको कर लीजिए। और इसे multiply करने पर आपके पास आ जाएगा x cube minus 18 x square प्लस 99 एक्स माइनस 162। आप कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ओके, तो देखिए, ये जो फंक्शन आपके पास आया है, ये वाला फंक्शन, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पर एक वीडियो पहले ही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन आते ही आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ f of x is a polynomial function, then it is continuous and differentiable at intervals 3 to 5 and open bracket 3 to 5 respectively। यानी कि जैसे ही ये फंक्शन पॉलिनोमियल आ गया अपने पास, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। कौन कौन से इंटरवल में, कंटिन्यूअस होगा 3 to 5 क्लोज ब्रैकेट में और डिफरेंशिएबल होगा 3 to 5 ओपन इंटरवल में। ओके, जैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए अपने पास। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसके अंदर से 3 और 5 के बीच में से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, आपको हमेशा हमेशा एक रियल वैल्यू मिलेगी। ओके, रियल वैल्यू फंक्शन मिलेगा। और 3 टू 5 के बीच में, नॉट इंक्लूडेड 3 एंड 5, इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको हमेशा एक रियल वैल्यू फाइंड होगी, जो कि क्या बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है।
ओके पॉलीनोमियल फंक्शन होने के बाद। तो देखिए जब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल प्रूव हो चुका है, ओके अब इसमें कुछ नहीं करना, प्रूव हो चुका है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी, जिसकी बात हमने सेकंड दो स्टेटमेंट्स के बाद की थी। सी बिलोंग्स टू 3 to 5, एक सी ऐसा एक रियल नंबर मिलना ही मिलना चाहिए अपन को जो कि 3 और 5 के बीच में होगा। तो देख लेते हैं वो कंडीशन क्या थी। एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके। तो इसके अंदर से अपन को अपना ए और बी क्या है, ये तो ए है और ये बी है, ए तो 3 है बी 5 है, तो एफ डैश सी भी निकाल लेते हैं। अपने पास एफ डैश एक्स ये आ गया, सॉरी एफ ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया। इसका एफ डैश एक्स कैसे निकल सकता है, अपने पास एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स माइनस 162। इसका एफ डैश एक्स कैसे आ सकता है, देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जो 36 एक्स प्लस 99 और कांस्टेंट का 0, ओके। अब जरा सा एफ डैश एक्स आ गया अपने पास, अब अपने एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 की अपॉन में 5 माइनस 3, तो एफ ऑफ 5 कितना जाएगा, देखिए इसमें रखिएगा तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, आप डायरेक्टली किस में पुट कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लीजिए 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, तो यहां पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ गया अपने पास 8। नाउ अब इसके आगे देख लेते हैं, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखिए यहां पे 3 माइनस 3 तो ये आगे जो भी आएगा 3 माइनस 6 3 माइनस 9 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाइड में है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0। तो अपने पास f ऑफ 3 की वैल्यू आ चुकी है, f ऑफ 5 की वैल्यू 8 आ चुकी है, f डैश x की वैल्यू आ ही चुकी है। अब इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर लेंगे, तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं f डैश x की वैल्यू जो कि क्या है 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 इज इक्वल टू f ऑफ 5 की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 0, f ऑफ 3 की वैल्यू 0, 5 माइनस 3 इसको 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 बाय 2 ये आ गया 4, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99 माइनस 4 इसको 0, 3x स्क्वायर माइनस 36x और 99 में से अगर 4 जाता है तो क्या बचता है 95 = 0। अब देखिए इसे सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, जो कि क्या है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां पर इससे दो वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला फॉर्म ले लेंगे, तो प्लस वाला फॉर्म लेने के बाद अपने पास आ जाएगा 8.8 और अगर माइनस वाला फॉर्म लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4.8। दो वैल्यूज आ गए अपने पास x की 8.8 और 4.8, ओके। नाउ जो अपना लास्ट वाली जो चीज थी वो क्या थी कि c एक ऐसा रियल वैल्यू होना चाहिए जो a से b इंटरवल में बिलोंग करे, तो a से b इंटरवल था अपना 3 to 5,
अब देखिए इन दोनों में से देख के बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में से जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 8.8 तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ये, तो सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4.8, जो कि बिलोंग कर रहा है कहां पर, 3 से 5 के बीच में, 3 ना तो इंक्लूड होगा ना 5 इंक्लूड होगा, बीच में आ गया 4.8। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो अब प्रूव हो चुका है। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और उसके बाद ये बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है जिससे कि कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा इन इन इंटरवेल्स के अंदर। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन होते ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर हमने बात की कि एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए इन दोनों के बीच में, और जिसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है अपने पास, इस चीज इस तरीके से आप उन्होंने एफ ऑफ फाइव निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ ऑफ फाइव निकाल लिया और एफ ऑफ थ्री निकाल लिया, और फिर इनको इस तरीके से पुट कर लिया। पुट करने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज इसकी आई हैं, जो कि जिनमें से कि एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इनके बीच में। ओके, तो इस तरीके से हम मीन वैल्यू थ्योरम को फाइंड कर सकते हैं।